नमस्कार दोस्तों, तो ये हम लोगों ने पीहू के लिए बेबी वॉकर ऑर्डर किया है। पीहू अभी 7 मंथ्स की है, तो हमने सोचा कि बेबी वॉकर उसके लिए लेके आते हैं, जिससे कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा चलना और अपने सारे खड़ा होना सीख पाएगी। एंड ये हम लोगों ने अमेजोन से ऑर्डर किया है, और ये प्रोडक्ट जो है वो पांडा बेबी प्रोडक्ट्स जो इसका ब्रांड है वो पांडा बेबी प्रोडक्ट्स है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग देख लेते हैं। बड़ा पार्ट ये वॉकर का निकला है इसमें से। साथ में ये गद्दी है, ये बच्चों के बैठने के लिए, ये हमें इसको बाद में इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। एंड लुक्स की इसका क्लोथ जो है वो कॉटन का है, एंड देखने में अच्छा है, नाइस। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें है आपका बेबी टॉयस, जो आई थिंक यहाँ कहीं फिट करना पड़ेगा इसको, और इसके साथ ये आए हैं व्हील्स। तो इंश्योर करिएगा कि 3, 5, 8 व्हील्स होने चाहिए। तो इसमें से हमारे 8 व्हील आए हैं। एंड ये फ्लावर है, जो आई थिंक डेकोरेटिव पीस है बच्चों के खेलने के लिए, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और ये भी काइंड ऑफ फैन है, तो ये भी आई थिंक बच्चों के खेलने के लिए है, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये पार्ट्स निकले हैं इसमें से, ये सारे पार्ट्स हमारे पास आएंगे। जब भी आप कभी परचेज करेंगे तो फिर ये सारे पार्ट्स आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास आए। तो चलिए फिर देखते हैं कि अब इसको ओपन कैसे करना है। तो इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बटन है जिसको आपको आगे से प्रेस करना रहेगा। तो आप जब इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करते जाएंगे, इसको प्रेस रखिएगा और फिर इसको धीरे धीरे ऊपर करते जाइएगा, तो यहाँ से इसकी हाइट एडजस्टमेंट होगी। आप देखिए यहाँ से इसकी हाइट एडजस्टमेंट होगी, ये थोड़ा स्लाइड होके ऊपर आएगा और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हाइट आपको चाहिए है वो आप इसको हाइट को कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप देखिए इतनी हाइट आई है, तो ये जो हाइट है वन हैंड आई थिंक ऑलमोस्ट वन हैंड के इक्वल हाइट आई है इसकी। और इसके अलावा इसमें अभी व्हील्स भी लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें व्हील्स फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए, सिंपली आपको व्हील्स लगाना बहुत ही इजी है। आपको सिंपली यहाँ पे ये व्हील्स का ये दिया हुआ है और यहाँ पर होल है, तो आप इन व्हील्स को थोड़ा सा धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसको अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप अपने सारे व्हील्स, जो 8 व्हील्स इसके साथ आए हैं, वो आप लगा लीजिएगा। ये देखिए, तो अपने व्हील्स यहाँ पर फिट हो चुके हैं और अब इसकी हाइट कुछ इतनी हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं ये इसको कैसे फिट करना है। सबसे पहले इसमें गद्दी लगा लेते हैं। तो ये जो शीट आई है इसको आपको स्पेस दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को निकाल लेना है। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ये ब्लैक नॉब्स हैं जिनको कि आपको बाहर निकाल लेना है। कपड़े में थोड़ा सा होल किया हुआ है, तो उससे आपको ये नॉब बाहर निकाल लेने, और ये जो नॉब्स हैं वो आपके यहाँ पर जा कर के फिट हो जाएंगे। उसी तरीके से ये वाले नॉब्स जो हैं, ये नॉब्स जो हैं वो आपके यहाँ जाकर फिट हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने पीछे भी 3 नॉब्स दिए हुए हैं,
इनको भी आप कपड़े से बाहर निकाल लीजिए। तो ये तीन नॉब्स जो हैं वो हम यहाँ पर फिट कर देंगे। साइड में हम दो नॉब्स यहाँ पर फिट कर देंगे और यहाँ पर दो नॉब्स फिट कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से जस्ट इनको आपको धीरे से प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पीछे जो दो नॉब्स हैं इनको हमें ये जो दो होल हैं उसमें डाल देना है। ये साइड के नॉब्स हैं तो ये इसमें आप फिट करिएगा। ये देखिए ये यहाँ पर, और फाइनली जो लास्ट नॉब है वो आप यहाँ पर फिट कर देंगे। इस तरीके से आपके बच्चे के लिए ये कंफर्टेबल स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया है जिसमें कि आपके बच्चे को आप बिठा सकते हैं। ओके ठीक है, अब ये आपका बाहर निकल आएगा ये पार्ट। तो ये पार्ट जो है आपका डिटैचेबल है, इसके पीछे सर्किट दिया हुआ है। तो ये सर्किट म्यूजिक के लिए है, इसमें ये एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है तो इसमें म्यूजिक भी आएगा। चलिए इसको अपन अटैच कर देते हैं। फिट हो गया अपना, अब यहाँ पर ये फिट कर देते हैं। ये आप यहाँ फिट कर सकते हैं और ये फ्लावर आप यहाँ लगा सकते हैं। ओके, ये फ्लावर आपको पहले ये ओपन करना रहेगा और ओपन करने के बाद आप इसको नीचे से इसको स्क्रू में आप इसका स्क्रू निकालेंगे। फिर आप इसको इंसर्ट करके और नीचे से स्क्रू टाइट कर दीजिएगा। इसी तरह आप इसका भी अनस्क्रू कर दीजिए और इसको अनस्क्रू करने के बाद यहाँ से आप इसको होल में इंसर्ट करके और नीचे से इसको टाइट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रेडी हो गया है और अब आपका बच्चा इसमें एंजॉय कर सकता है, आप इसमें आराम से बिठा सकते हैं। बट बिठाने से पहले आप इंश्योर कीजिएगा कि जो सारी फिटिंग है वो प्रॉपर हो गई हो। और ये देखिए व्हील्स भी इसके सही हैं और इसको थोड़ा प्रॉपरली पुश करके देख लीजिएगा सब कुछ अच्छे से फिट हो गया हो। फिट होने के बाद थोड़ा यहाँ गद्दी में प्रेशर देके भी देख लीजिएगा नीचे की तरफ तो नहीं जा रही है, और उसके बाद इंश्योर होने के बाद ही अपने बच्चे को इसमें बिठा लीजिएगा। आई थिंक पीहू विल एंजॉय दिस।